नमस्कार कृषि समाचारों के आज के अंक में आप सभी का स्वागत है सबसे पहले नज़र आज की खास खबरों पर प्रधानमंत्री का मृदा स्वास्थ्य सुधार पर जोर नई प्रौद्योगिकी से ही कृषि उत्पादन में बढ़ोतरी संभव आलू उत्पादन में उत्तर प्रदेश अव्वल बत्तीस लाख से अधिक किसान क्रेडिट कार्डो का वितरण और भविष्य में जैव नियंत्रक ही करेंगे हमारी फसलों की सुरक्षा अब कृषि समाचार विस्तार से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि स्वस्थ धरा तो खेत हरा प्रधानमंत्री ने जयपुर में मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना का शुभारंभ करते हुए उक्त विचार व्यक्त किए प्रधानमंत्री ने इस मौके पर राज्यों से ऐसी विशेषज्ञ समितियां गठित करने को कहा जो कि कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए न्यूनतम साझा कार्यक्रम तैयार कर सके उन्होंने यह भी कहा कि नीति आयोग और सभी राज्यों को कृषि क्षेत्र के लिए उच्चाधिकार प्राप्त समितियां गठित करने का निर्देश दिया गया है गांवों किसानों ग्रामीण अर्थव्यवस्था और मिट्टी पर अपनी बात को केंद्रित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि पहले राज्य सरकारें अपनी कृषि योजनाएं बनाएं जिसके आधार पर केंद्र सरकार न्यूनतम साझा कार्यक्रम तैयार करेगी और उसे पूरे देश में लागू किया जाएगा उन्होंने कहा कि मृदा की सेहत का ध्यान किसानों को भी देना होगा प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार वर्ष 2015 में तीन करोड़ मृदा कार्ड बांटेगी और तीन वर्षों के अंदर देश के 14 करोड़ किसानों को इस योजना से लाभान्वित कर दिया जाएगा। केंद्रीय कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह ने कहा कि नई प्रौद्योगिकी को अपनाकर ही कृषि उत्पादन को बढ़ाया जा सकता है आईसीएआर सोसाइटी की सालाना बैठक को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि मेरा गांव मेरा गौरव योजना के तहत प्रत्येक गांव से कृषि वैज्ञानिकों को जोड़ा जाएगा उन्होंने बताया कि नई योजना में गांवों एवं खेती से ई e कनेक्टिविटी को बढ़ावा दिया जाएगा। इस योजना के तहत एसएमएस के जरिए सूचनाएं भेजने के लिए एम किसान पोर्टल का इस्तेमाल केवीके किसान चौपाल किसान पोर्टल एवं किसान कॉल सेंटर को ई कनेक्टिविटी मुहैया कराना शामिल है उन्होंने नीली क्रांति को बढ़ावा देने पर भी जोर दिया सर्वाधिक क्षेत्रफल में और सबसे अधिक आलू का उत्पादन करने के कारण उत्तर प्रदेश देश का नंबर एक आलू उत्पादक राज्य बन गया है यहाँ 120 लाख से 135 लाख मीट्रिक टन आलू का उत्पादन हो रहा है सरकारी सूत्रों ने बताया कि उत्पादन के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर है इस वर्ष प्रचलित बाजार भाव के अधिक होने के कारण प्रदेश में आलू बीज की मांग में गुणात्मक वृद्धि हुई है जिसके कारण मांग के अनुरूप आलू बीज उपलब्ध कराए जाने में कठिनाई हुई प्रदेश में उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग द्वारा प्रतिवर्ष भारत सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए ब्रीडर आलू बीज को संवर्धित कराकर कृषकों को आधारित श्रेणी के आलू बीज वितरित किए जाने की योजना क्रियान्वित है विभागीय सूत्रों के अनुसार प्रदेश सरकार द्वारा आलू विकास नीति 2014 के अंतर्गत कृषक प्रक्षेत्रों पर उत्पादित आधारित द्वितीय श्रेणी के बीजों को भी भारत सरकार की संस्था एन के माध्यम से क्रय करके उन्हें अन्य कृषकों को भी निर्धारित मूल्य पर उपलब्ध कराने की कार्ययोजना तैयार की गई है उत्तर प्रदेश सरकार विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के अंतर्गत किसानों गरीबों तथा बेरोजगार व्यक्तियों को वित्तीय सहायता एवं कौशल विकास के जरिए उनके उत्थान में भरपूर सहयोग कर रही है उत्तर प्रदेश संस्थागत वित्त एवं सर्वहित बीमा निदेशालय के अनुसार राज्य सरकार ने किसानों को इकतालीस दशमलव दो एक लाख कार्ड वितरण लक्ष्य के सापेक्ष अब तक बत्तीस लाख से अधिक किसान क्रेडिट कार्ड किसानों को उपलब्ध करा दिए हैं फसली ऋण वितरण योजना में रबी फसली ऋण पंद्रह हजार करोड़ रुपए और कुल फसली ऋण चौतीस हजार सात सौ उनासी करोड़ रुपए का वितरण किसानों को किया जा चुका है खरीफ फसली ऋण योजना में अट्ठाईस करोड़ रुपए लक्ष्य के सापेक्ष उन्नीस करोड़ रुपयों का ऋण किसानों को वितरित किया जा चुका है रासायनिक कीटनाशी के उपयोग से मानव जीवन एवं पर्यावरण पर होने वाले दुष्प्रभाव के अध्ययन तथा आम की फसल में एकीकृत नाशी जीव प्रबंधन पर दीर्घकालिक प्रशिक्षण कार्यक्रम केंद्रीय एकीकृत नाशी जीव प्रबंधन केंद्र लखनऊ में आयोजित किया गया इस कार्यक्रम में कीट एवं व्याधियों के पारंपरिक यांत्रिक जैविक एवं रासायनिक नियंत्रण के बारे में प्रदेश के कृषि एवं उद्यान विभाग के कृषि प्रसार अधिकारियों कृषि विस्तार परियोजनाओं से जुड़े गैर सरकारी संगठनों के सदस्यों ने भाग लिया प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत आयोजित विचार विमर्श सत्र में वनस्पति संरक्षण संगरोध एवं संग्रह निदेशालय फरीदाबाद से वनस्पति संरक्षण सलाहकार असम कृषि विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति एवं भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ के पूर्व निदेशक एवं इस केंद्र के प्रभारी ने प्रशिक्षार्थियों को अपने विचारों से अवगत कराया प्रशिक्षण कार्यक्रम में समस्त तकनीकी गतिविधियों को उपस्थित वैज्ञानिकों के समक्ष प्रस्तुत किया गया जिसमें कृषि पारिस्थितिकी तंत्र पार्टिसिपेटरी एक्शन रिसर्च किसान खेत पाठशाला ग्रुप डायनेमिक्स कृषि विशेषज्ञों के लेक्चर जैसी गतिविधियां शामिल थीं फफूंदी जैव नियंत्रक ट्राइकोडर्मा के जनक ने कार्यक्रम में बताया कि नाशी कीटों एवं बीमारियों में रासायनिक कीटनाशक के प्रयोग से नाशी जीवों में उस रसायन के प्रति प्रतिरोधकता उत्पन्न हो जाती है उन्होंने कहा कि आगे आने वाले समय में जैव नियंत्रक ही हमारी कृषि की रक्षा करेंगे उन्होंने किसान को सलाह दी कि बीज उपचार करके ही फसल की बुआई करनी चाहिए यह फसल के लिए पोषक तत्व का भी काम करती है और फसल की जड़ पर ही एक सुरक्षा कवच बना देती है वैज्ञानिकों के अनुसार जैव नियंत्रक का उपयोग कम खर्चीला एवं वातावरण के अनुकूल होता है तथा फसल की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए उसकी मात्रा से समझौता नहीं करना चाहिए आई पद्धति अपनानी चाहिए जिससे गुणवत्ता व मात्रा दोनों का संतुलन बना रहे और अब किसान भाइयों के लिए कृषि वैज्ञानिकों की सामयिक सलाह जनवरी में उगाई गई सब्जियों के नर्सरी की रोपाई खेतों में कर दें। सब्जी उत्पादक खेतों में भिंडी तोरई, कद्दू लौकी चौलाई और मूली के बीजों की बुआई कर दें और इन फसलों की समय से सिंचाई करते रहें। असंचित क्षेत्रों में चने की कटाई फरवरी के अंत तक कर लें। देरी से बोई गई मटर की फसल में फली आने पर सिंचाई करें गन्ने के स्वस्थ बीज का चुनाव कर बीजोपचार करके ही बुआई करें बरसीम की कटाई 20 से 25 दिनों के अंतर पर करते रहें और अब आइए एक नजर डालते हैं कृषि उत्पादों के मंडी भावों पर गेहूं के भाव प्रति क्विंटल इस प्रकार रहे मेरठ की मंडी में एक हजार रुपए उन्नाव की मंडी में एक हजार चार रुपए फैजाबाद की मंडी में एक हजार रुपए और इटावा की मंडी में एक हजार प्रति क्विंटल रहा चावल के भाव प्रति क्विंटल इस प्रकार रहे मेरठ की मंडी में दो हजार उन्नाव की मंडी में दो हजार फैजाबाद की मंडी में दो हजार और इटावा की मंडी में दो हजार प्रति क्विंटल रहा चना का भाव प्रति क्विंटल इस प्रकार रहा मेरठ की मंडी में तीन हजार उन्नाव की मंडी में तीन हजार फैजाबाद की मंडी में तीन हजार रुपये और इटावा की मंडी में तीन हजार प्रति क्विंटल रहा और अब सब्जियों के भाव आलू के भाव प्रति क्विंटल इस प्रकार रहे मेरठ की मंडी में पांच रुपए रुपये उन्नाव की मंडी में पांच रुपए फैजाबाद की मंडी में छह रुपए रुपये और इटावा की मंडी में पांच रुपए रुपये प्रति क्विंटल रहा प्याज के भाव प्रति क्विंटल इस प्रकार रहे मेरठ की मंडी में नौ रुपये उन्नाव की मंडी में एक हजार फैजाबाद की मंडी में एक हजार और इटावा की मंडी में एक हजार प्रति क्विंटल रहा हरी मटर के भाव प्रति क्विंटल इस प्रकार रहे मेरठ की मंडी में आठ सौ उन्नाव की मंडी में एक हजार फैजाबाद की मंडी में दो हजार और इटावा की मंडी में एक हजार प्रति क्विंटल रहा हरी मिर्च के भाव प्रति क्विंटल इस प्रकार रहे मेरठ की मंडी में एक हजार एक उन्नाव की मंडी में दो हजार फैजाबाद की मंडी में दो हजार और इटावा की मंडी में दो हजार प्रति क्विंटल रहा टमाटर के भाव प्रति क्विंटल इस प्रकार रहे मेरठ की मंडी में एक हजार उन्नाव की मंडी में एक हजार फैजाबाद की मंडी में एक हजार और इटावा की मंडी में एक हजार प्रति क्विंटल रहा और अब फलों के भाव मौसमी के भाव प्रति क्विंटल इस प्रकार रहे मेरठ की मंडी में एक हजार उन्नाव की मंडी में दो हजार फैजाबाद की मंडी में एक हजार और इटावा की मंडी में दो हजार प्रति क्विंटल रहे सेब के भाव प्रति क्विंटल इस प्रकार रहे मेरठ की मंडी में पांच हजार उन्नाव की मंडी में छह हजार फैजाबाद की मंडी में पांच हजार और इटावा की मंडी में छह हजार छह सौ रूपए प्रति क्विंटल रहे केले के भाव प्रति क्विंटल इस प्रकार रहे मेरठ की मंडी में नौ सौ पांच रूपए उन्नाव की मंडी में एक हजार नौ सौ रूपये फैजाबाद की मंडी में दो हजार एक सौ नब्बे रूपए और इटावा की मंडी में तीन हजार दो सौ रूपये प्रति क्विंटल रहा तो ये थे आज के कृषि समाचार और औसत मंडी भाव अगले अंक में कुछ नई जानकारियों के साथ हम फिर उपस्थित होंगे तब तक के लिए हमें दीजिए अनुमति नमस्कार और बताओ बस अरे ये क्या भैया जी बस इतनी सी रासायनिक खाद किसानी छोड़ रहे हो क्या किसानी नहीं नादानी छोड़ रहे हैं मिट्टी की जांच कराई है अब तो लाला जी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे हाँ किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें और हाँ मिट्टी में गंधक जस्ता बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें अरे वाह तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर अम्मा खाना दे दो ना सबर कर गोलू अभी दाल नहीं गली तू फिक्र कर गोलू की अम्मा अब की बार अपनी दाल खूब गलेगी क्या मतलब जी अब की बार एन एफ एस एम के तहत दाल की पैदावार को बढ़ाने के तरीकों को दिखाने के लिए देश में एक हजार क्षेत्र चुने गए हैं जिसमें हमारा इलाका भी आ गया है पर इससे हमें क्या फायदा हमें पाँच एकड़ खेती के लिए खाद और कीटनाशक के अलावा बढ़िया बीजों की एक मिनी किट भी मिलेगी इतनी दाल का करेंगे क्या जी अरे भगवान सरकार ने दलहन का समर्थन मूल्य भी खूब बढ़ा दिया है और इनकी खरीद का भी पूरा इंतजाम कर लिया है इससे आमदनी बढ़ेगी और फिर हमारा गोलू अच्छे स्कूल में जा के कृषि वैज्ञानिक बनेगा हाँ श्यामू भैया सरकार कह रही है पूर्वी भारत में भी दूसरी हरित क्रांति आएगी अरे ये तो पंजाब और हरियाणा में हुआ था यहाँ तो अनाज की पैदावार अब भी कम है सरकार की बातों में कुछ तो दम होगा आखिर यहाँ बारिश तीन गुना होती है चलो वैज्ञानिक का नंबर मिलाते हैं। अरे वाह, आ गए। नमस्ते सरपंच जी हाँ भाई उपजाऊ जमीन की कीमत को पहचानो जरूरत है सिर्फ सही किस्म और तकनीक अपनाने की पूर्वी भारत में सरकार कम गहरे नलकों और बोरवेल के निर्माण के लिए सहायता दे रही है लेकिन सरकार से और मिलेगा क्या भरपूर मदद जमीन की तैयारी से लेकर फसल की कटाई तक तकनीकी सलाह एक हजार हेक्टेयर के सैकड़ों क्षेत्रों में चावल और गेहूं के खास प्रदर्शन भी चल रहे हैं अरे वाह, फिर तो हमारे खेत भी लहला उठेंगे क्या ये सपना सच होगा हाँ जरूर पूर्वी भारत हरित क्रांति का अग्रदूत होगा और हम सब मिलकर कदम बढ़ाए कृषि समाचार के बाद एक बार पुनः हाँ आपका कृषि दर्शन कार्यक्रम में स्वागत है बहनों भाइयों हम लोग खेती किसानी तो करते ही हैं। इससे जुड़े हुए कई ऐसे उद्योग धंधे हैं जिन्हें अपनाकर हम अतिरिक्त आय प्राप्त कर सकते हैं उन्हीं में से एक है मछली पालन जो किसान भाई हमारे मछली पालन कर रहे हैं अथवा करना चाहते हैं उनके लिए यह जानकारी होना बहुत आवश्यक है कि मछलियों के लिए आहार की व्यवस्था किस तरह से होनी चाहिए तो इसी परिप्रेक्ष में आज हम आपको जानकारी दिलवाने जा रहे हैं मछलियों के लिए संतुलित आहार और इस विषय पर जानकारी देने के लिए आज हमारे बीच में उपस्थित हैं मत्स्य निदेशालय लखनऊ के उप निदेशक डॉ नरूल हक डॉक्टर साहब आपका स्वागत है डॉक्टर साहब सब सबसे पहले हम ये जानना चाहते हैं कि मत्स्य पालन या मछली पालन में हमारा जो पूरक आहार है मछलियों के लिए उसका क्या महत्व तो है सर जैसा कि आपने मछली पालन की बात की हमारा कृषि प्रधान देश है हम यहाँ आज तमाम चीज़ों पे कृषि के उत्पादन को बढ़ाने के लिए हम और हमारी गवर्नमेंट सब हर वक्त प्रयास प्रयास करते रहते करते हैं, हैं। जी। और आज हमारा कृषि का उत्पादन देखिए काफ़ी अच्छे स्तर पे पहुँच गया है लेकिन साथ ही साथ हमारी बढ़ती हुई जनसंख्या को देखते हुए हम कहीं ना कहीं जहाँ पे प्रोटीन जो कंटेंट होना चाहिए फूड में उसमें थोड़ी सी कमी महसूस करते हैं जिसको पूरा करने के लिए हमारे पास जल संपदा काफ़ी मात्रा में मौजूद है हमारे गाँव में नदियाँ नाले तमाम चीज़ें हैं अगर हम जल कृषि की तरफ अपना ध्यान आकर्षित करें तो उससे बहुत सारे रोजगार के साधन उपलब्ध हो सकते हैं और बहुत सारे प्रोटीन का प्रोडक्शन हो सकता है इसी कड़ी में पालन एक बहुत अच्छा व्यवसाय है जो हमारे नेचुरल जल के स्रोतों से जो है बड़े आसानी से जल कृषि में उपयोग किया जा सकता है और उससे हमारे खाद्यान्न प्रोटीन खाद्यान्न जो आज हमारी सबसे बड़ी जनसंख्या की जरूरत है जी उसकी पूर्ति की जा सकती है बिल्कुल और ये काम जो है मत्स्य पालन के जरिए ही किया जा सकता है जैसा आप जानते हैं कि दुनिया का पचहत्तर परसेंट पानी है सत्तर पचहत्तर परसेंट और ये पानी जो है जल संपदा से भरपूर है मछली तीन जगह तरह के होती हैं ये जो है समुद्री मछलियाँ होती हैं ये ब्रेकिस वाटर की होती हैं और एक फ्रेश वाटर की होती है जी क्योंकि हम लोग यहाँ रहते हैं लैंड एरिया में तो यहाँ हमारा फ्रेश वाटर है तालाब है नदियाँ हैं नाले हैं तो हम फ्रेश वाटर मछली पालन की बात करते हैं जी तो जो फ्रेश वाटर आप मछली पालन की बात कर रहे हैं तो इन मछलियों के लिए आहार किस तरह का होना चाहिए सही बात देखिए अभी तक हम लोग क्या करते थे जो नेचुरल तौर पे जो है प्राकृतिक तौर पे मछली तालाबों में आती है और ब्रीडिंग करती है बच्चे होते हैं बढ़ती है साल में मार लेते हैं तो हमारा उत्पादन मुश्किल से जो है पहले चार कुंतल पाँच कुंतल पर हेक्टेयर हुआ करता था लेकिन सन अस्सी से जो है हमारा इंटेंसिव कल्चर शुरू हो गया जिसको हम साइंटिफिक कल्चर कह रहे हैं वो जब से से आ गया तब से अब हम कौन सी मछली पाली जानी चाहिए मछलियों की प्रजातियां तो बहुत हैं लेकिन अब ये देखना है कि कौन सी प्रजाति मछली की पालने योग्य जी और उत्पादन भी उससे अच्छा हो हमारे किसान भाइयों को देखिए हर जंत में खाने की प्रवृत्ति दो तरह की होती है या तो वो शाकाहारी होगा या मांसाहारी होगा या दोनों होगा जी तो मछलियों में भी इनके खाने की प्रवृत्ति दो तरह की है कुछ मछलियाँ शाकाहारी हैं और कुछ मछलियाँ मांसाहारी हैं जो छोटी छोटी मछलियों को मार के खाती हैं जी लेकिन पालन के दृष्टिकोण से हमें शाकाहारी मछलियों का ही चुनाव करना है और ये पांच-छह प्रजातियाँ हैं जो हमारी इंडियन मेजर कार्प्स है जिसको हम रोहू नैन कतला कहते हैं चाइनीज कार्प है सिल्वर कार्प है ग्रास कार्प ये तीन विदेशी प्रजातियां हैं ये छह प्रजातियां ऐसी हैं जिनको हम एक साथ मिश्रित मालन कर सकते हैं एक ही तालाब में इनका एक साथ कल्चर कर सकते हैं तो ये जो विभिन्न प्रजातियों की मछलियां हैं इनके लिए हम किस तरह के आहार की व्यवस्था करें मैं वही आपको बताने जा रहा हूँ देखिए नेचर ने बहुत कुछ दिया है तालाब में बहुत कुछ प्लान्टन मौजूद है बहुत से छोटे छोटे माइक्रो माइक्रोन्यूट्रिय मौजूद हैं सड़ी गली चीज़ें सब तालाब में जाती हैं लेकिन उनसे जब हम मछली पालन शुरू करते हैं पालन शब्द ही यह है कि कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन लेना है तो जाहिर सी बात है जब हमें ज़्यादा उत्पादन लेना है तो अब हमें उस तालाब में पूरा आहार डालना पड़ेगा जो उसमें पहले से नेचुरल खाद मौजूद है वो उनकी पूर्ति नहीं करेगी हमारी अपेक्षित बढ़ोतरी नहीं होगी इसके लिए हम शाकाहारी मछलियों को कल्चर करते हैं और उनको पूरक आहार देते हैं अब पूरक आहार में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए सबसे पहले नंबर पर आता है प्रोटीन मछली के फीड में प्रोटीन कम से कम 30 से 60 परसेंट होना चाहिए और कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए करीब जो है 40-45 परसेंट और फैट जो है 8-10 परसेंट होना चाहिए विटामिन होना चाहिए मिनरल्स होना चाहिए ये तमाम माइक्रो न्यूट्रिएंट होना चाहिए लेकिन अब इनकी अवेलेबिलिटी क्या है क्योंकि किसान को ये पूरक आहार तैयार करने के लिए सस्ते माल चाहिए जिसके लिए हमारे लोकल मार्केट में देखना चाहिए कि सोयाबीन की खली है राइस ब्रान है अब डॉक्टर साहब फिर इनका प्रयोग हम किस तरह से करें और मात्रा कितनी होनी चाहिए हाँ अब इनके प्रयोग की बात आती है कि इनका प्रयोग आप कैसे करेंगे जैसे पहले आपने स्टार्टिंग में मछली के बच्चे जब आप डालते हैं तो उस वक्त उनको फूड की मात्रा की आवश्यकता ज़्यादा होती है लेकिन साफ़्ट फूड होना चाहिए जिसमें प्रोटीन कंटेंट ज़्यादा होना चाहिए बहुत ज़्यादा फैट नहीं होना चाहिए तो उनको करीब आठ से दस परसेंट आप दी बॉडी वेट देना चाहिए तीन महीने तक जब हमारे बच्चे बढ़ के फिंगर लिंग इतने बड़े हो जाए करीब सौ एम एम के या डेढ़ सौ एम एम के तो उनको कल्चर वाले पांड में डाल देना चाहिए लेकिन हमारे यहाँ चूँकि कल्चर पांड और और फिंगर लिंग रेयरिंग पांड अलग नहीं होता है किसान भाई जो बच्चा ले जाता है वो अपने तालाब में सीधे डालते हैं उसमें डालता हा, है हाँ तो उसको पहले ये खाने की प्रति थोड़ा आठ दस परसेंट आप दी बॉडी वेट देना चाहिए और जैसे जैसे वो बढ़ता जाए तो उसका फीडिंग अब बढ़ जाएगी जी मतलब आ, मात्रा धीरे-धीरे आपको बढ़ानी है नहीं नहीं फीडिंग की क्वांटिटी अब बदल जाएगी और फीडिंग का नेचर बदल जाएगा ज्यादा मात्रा में अब करेंगे नहीं ज्यादा मात्रा में नहीं करेगा अब वो थोड़ा कम फीडिंग करेगा लेकिन डेफिनेट टाइम पे करेगा अच्छा पहली बात पालक मछलियों को आ, जैसे हमारे जुलाई से लेकर आपके अप्रैल जुलाई से चलिए आप जुलाई अगस्त में हम बच्चा डालते हैं बरसात में बहुत ज़्यादा फीडिंग देने की जरूरत नहीं होती है ये मौसम से भी रिलेटेड होता है पानी के टेम्परेचर से भी रिलेटेड होता है और तमाम वाटर की केमिस्ट्री से भी रिलेटेड होता है जो हम डिसाइड करते हैं कि हमको मछली को कितना खाना देना चाहिए क्योंकि बरसात में मछली को बहुत कम खाना दिया जाता है क्योंकि तमाम न्यूट्रिय बह के तालाब में आते हैं तो बरसात में थोड़ा कम देना चाहिए लेकिन चूंकि बच्चे डाले हैं इसलिए उनको थोड़ा आहार देना चाहिए पाउडर फार्म में जी क्योंकि वो इतना एक्टिव नहीं होते हैं जो ग्रहण कर सकें लेकिन बहुत थोड़ी क्वांटिटी जी अगर बड़ी मछली है तो नहीं देना चाहिए और जैसे ही ठंडक आएगी उसमें मछली की एक्टिविटी कम हो जाती है उसकी पाचन क्षमता भी कम हो जाती है तो वो सुस्त पड़ जाती है उस वक्त तो फीडिंग बहुत कम करना चाहिए या कभी चाहे तो बंद भी कर सकते हैं अगर बदली दो तीन दिन बहुत है तो खाना बंद कर दें जी और जैसे ही आपका फरवरी का महीना खत्म होता है गर्मी बढ़ती है क्योंकि 20 सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे मछलियों की ग्रोथ कम होती है जैसे 20 से ऊपर जाता है 30 तक पहुंचता है ग्रोथ दुगनी हो जाती जैसे है जैसे इस समय टेम्परेचर हाँ, है अब मछलियों को फीडिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए उनकी ग्रोथ बहुत तेजी से बढ़ेगी तो इस वक्त उनको जो है कम से कम कुल बॉडी वेट का तीन से चार देना चाहिए भोजन हमें देना अब तीन से चार परसेंट मान लिया आपके तालाब में अगर इस वक्त पाँच क्विंटल मछली हो गई तो आपको बीस के जी पच्चीस के जी डेली देना डेली देना है डेली ये देना नहीं है। ये डाल दिया फिर हमें। याद रखिए मछ पालक को तालाब में खाना डेली देना है और बेहतर ये होगा कि वो सुबह आठ नौ बजे दे और शाम को चार पाँच बजे दे ऐसा क्यों डॉक्टर साहब इसलिए कि मछली दिन में खाना खाएगी रात में उसको दिखाई नहीं पड़ेगा जब रोशनी नहीं होगी तो खाना वेस्ट जाएगा इसलिए आप जब डालिए कि रोशनी हो या तो तालाब पे अगर आप प्रकाश बढ़ा दें तो उनके ग्रोथ बढ़ जाएगा जी समझ रहे हैं लेकिन खाने खाना देने का एक डिफिनिट समय होना चाहिए मछरियाँ हेपचुअल हो जाएंगी उस टाइम पे इकट्ठा हो जाएंगी जी तो वो आपका खाना फटाफट ग्रहण कर लेंगी वो बर्बाद नहीं होगा इसके अलावा खाना खिलाने की और भी कई वो चीज़ें हैं कि खाना हमारा बर्बाद ना जाए मसालों को चाहिए कि खाने को तालाब में छिड़क के दे छिड़कने तो इसलिए है कि पूरे तालाब में फैल जाएगा और ऐसा खाना हो जो थोड़ा सिंह करने में डूबने में दो, दो चार दो चार मिनट लेता हो जी। जैसे जैसे वो डूबेगा ऊपर वाली ने खा लिया नीचे जा रहा तैरते हुए सतह वाली खाएगी और जो लास्ट में बचेगा वो खाएगी अगर ऐसा खाना हुआ कि ऊपर ही तैरता रहा जी। तो खाली ऊपर वाली खाएगी मतलब अभिप्राय ये है कि हाँ। हर स्तर की मछलियों को, को भोजन मिले भोजन जाए डॉक्टर साहब आपने इतनी उपयोगी जानकारी हमारे किसान बहन भाइयों को दी इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद